दरअसल शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बड़ी खबर जो कि जम्मू कश्मीर से इस वक्त मिल रही है, जम्मू कश्मीर जहां पर श्रीनगर में आग का तांडव देखा गया। श्रीनगर जहां पर एक स्कूल में आग लग गई, राजबाग इलाके के स्कूल में ये आग लगी है। बच्चों को सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया है, ये सबसे बड़ी राहत की बात है। तस्वीरें आप देखिए, बाहर यहां से बच्चों को निकाल लिया गया। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं है। श्रीनगर में ये एक स्कूल है जो आग की लपटों से धीरे धीरे घिर गया। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, श्रीनगर में आग का तांडव देखा गया। चिंता की बात ये रही कि स्कूली बच्चे यहाँ पर मौजूद थे स्कूल के भीतर जिस वक्त ये आग लगी। राजबाग इलाके में ये स्कूल है जो धीरे धीरे आग की लपटों से गिर गया। जैसे ही आग लगी तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश करती हुई आपको तस्वीरों में भी दिख रही हैं। अच्छी बात इस पूरी घटना में ये रही कि स्कूली जो बच्चे थे उन्हें वक्त रहते स्कूल से बाहर निकाल लिया गया और किसी के हताहत होने की इसमें खबर नहीं है। हालांकि आग क्यों लगी, कैसे लगी, ये अभी पता लगाया जा रहा है। दमकल विभाग की गाड़ियां आग को बुझाने में जुटी हैं, लगी हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, श्रीनगर में आग का तांडव, वो भी एक स्कूल में आग लगी। जरा सोचकर ही देखिए, स्कूल अगर आग की लपटों से घिर जाए कैसे चिंताएं स्कूल प्रशासन की बढ़ जाएंगी, सबसे ज्यादा उन अभिभावकों की जिनके अपने बच्चे स्कूल में पहुंचे हुए हों। लेकिन वक्त रहते कोशिशें बिल्कुल तेजी के साथ शुरू हुई ताकि सभी बच्चों को बाहर निकाल लिया जा सके। स्कूल के ऊपरी हिस्से से आग की लपटें उठती हुई आपको दिख रही हैं, यानी कि अंदर आग से घिरा हुआ ये स्कूल होगा, तभी छत तक ये आग पहुंच रही है। या फिर ये भी हो सकता है कि ऊपरी मंजिल पर ये आग लगी हो। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, फायर फाइटर्स आपको स्कूल के भीतर नजर भी आ रहे हैं। सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए आग की लपटों के बीच में पहुंचे और वहां से आग बुझाने की कोशिश शुरू हुई। श्रीनगर के राजबाग की ये तस्वीर है जहां पर स्कूल है और स्कूल में तेजी से आग बढ़ती चली गई। पानी की बौछारों के साथ ही आग बुझाने की कोशिशें शुरू की गईं। श्रीनगर में इस स्कूल में आग लगी और तेजी से बढ़ती चली गई। श्रीनगर का ये राजबाग का स्कूल है। अभी तो फिलहाल प्राथमिकता ये रहेगी कि आग को बुझा लिया जाए पूरी तरह से और उसके बाद जांच ये होगी कि आग कैसे लगी, किन कारणों के चलते लगी, किस वजह से लगी, ताकि आग को बुझाने के साथ साथ ये मालूम भी हो सके कि किस वजह से ये पूरा स्कूल आग की लपटों से घिर गया। फिलहाल राहत की बात सिर्फ इतनी कि बच्चों को निकाल लिया गया वक्त रहते, वरना कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। स्कूलों में हम जानते हैं बड़ी संख्या में बच्चों की मौजूदगी रहती है और अभी तो स्कूल टाइम भी था जिस बीच आग लग गई, लेकिन बच्चों को वक्त रहते स्कूल से बाहर निकाल लिया गया, बिल्डिंग से बाहर निकाल लिया गया और फिर आग पर कंट्रोल पाने की कोशिशें जारी हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। पानी के बौछारें लगातार स्कूल परिसर में, स्कूल बिल्डिंग पर पानी डाला जा रहा है ताकि आग को बुझाया जा सके।